अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सारे लोग खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे किस तरह से आप लोग SVG या कोई भी और फॉर्मेट वर्डप्रेस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नॉर्मली आप लोग SVG फाइल यूज़ करते हैं वर्डप्रेस के अंदर, बट वहाँ पे वो कह रहा होता है कि रिस्ट्रिक्टेड इसको, इस जो SVG फाइल्स को आप वर्डप्रेस के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, तो किस तरह से वो सपोर्ट आपने इनेबल करनी है। अब SVG क्यों लोग यूज़ करते हैं, तो इसके कुछ पर्पसेस हैं। नॉर्मली ये होता है कि हम कोई भी लोगो या कोई भी इमेज यूज़ कर रहे होते हैं वर्डप्रेस के अंदर, तो वो ऑटो कंप्रेशन में आती है और थोड़ी बहुत कंप्रेस होके थोड़ी पिक्सेलेट हो जाती है, उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी कम हो जाती है, राइट। तो इसके लिए हमें यूज़ करना पड़ती है SVG फॉर्मेट, जो कि कंप्रेस नहीं होती और उसी क्वालिटी में, हाई क्वालिटी में वो लोगो या कोई भी फाइल, कोई भी इमेज आपकी उसी तरह से ही अपलोड होती है, राइट। तो इस वजह से लोग SVG को समटाइम यूज़ करना चाह रहे होते हैं। तो चले चलते हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि SVG फाइल्स को आप किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो हम आ चुके हैं लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पे हमने एक वेबसाइट डिज़ाइन की हुई है जो कि आस्ट्रा प्रीमियम टेम्पलेट्स के जरिए डिज़ाइन की हुई है। जस्ट वन क्लिक के अंदर आपको कंप्लीट वेबसाइट डिज़ाइन मिल जाएगा। अगर आप भी आस्ट्रा प्रीमियम चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको इंतहाई मुनासिब रेट्स के अंदर आस्ट्रा प्रीमियम आपकी वेबसाइट के ऊपर लाइफ टाइम अपडेट्स के साथ एक्टिवेट करके दे सकूँ। तो यहाँ पे हम चलते हैं एक्चुअल काम की तरफ। लेट्स से यहाँ पे हम जो है एक चीज़ ले लेते हैं, कोई इमेज लेते हैं लेट्स से, और यहाँ पे मेरे पास कुछ सैंपल पड़े हैं, राइट। तो अगर मैं ज़रा यहाँ पे देखें, ये वाली SVG फाइल है सेम लोगों की और ये वाली PNG फाइल है। तो अभी के लिए मैं पहले PNG को अपलोड करता हूँ। देखें यहाँ पे ये PNG सही तरीके से अपलोड हो गई है और कुछ इस तरह से शो हो रही है, राइट। अब इसके नीचे मैं एक और इमेज लेता हूँ लेट्स से, और यहाँ पे मैं कोशिश करता हूँ SVG को अपलोड करने की और देखता हूँ कि वो अपलोड हो रही है या नहीं हो रही। तो मैंने ये सिलेक्ट की और यहाँ पे देखें, लोगो फाइल हेडर डॉट SVG दिस फाइल इज़ नॉट अलाउड फॉर सिक्योरिटी रीजंस, कुछ इस तरह से आपको इश्यूज देखने को मिलेंगे। अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है, सिंपल आप लोगों ने जाना है डैशबोर्ड के अंदर। डैशबोर्ड के अंदर जाने के बाद आप लोग जाओगे प्लगइन्स के अंदर और एड न्यू प्लगइन्स, राइट। और यहाँ पर हमारे पास एक बहुत ही पॉपुलर प्लगइन है जिसका नाम है स्पोर्ट SVG, राइट। ये वाला प्लगइन है, इसको आपने सिंपल इस तरह से इंस्टॉल करना है और इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट करते हैं। बाकी और काफ़ी सारे प्लगइन्स भी हैं, बट ये काफ़ी पॉपुलर है और काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे देखें, मैं इसको एक्टिवेट कर दूंगा। एक्टिवेट करने के बाद क्या करता हूँ, इसको मैं कर लेता हूँ रीलोड, राइट। इसको मैं ज़रा अपडेट कर देता हूँ। अपडेट करने के बाद रीलोड करके देखता हूँ। ओके, तो ये मैंने इसको रीलोड किया। ओके, रीलोड हो चुका है। अब यहाँ पे हम दोबारा से उसको ट्राई करेंगे कि वो जो SVG फाइल है वो हम अपलोड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो हम वापस इसी जगह पे आते हैं और वापस कुछ इस तरह से वो फाइल सिलेक्ट करते हैं SVG, और यहाँ पे अगेन ये वाला इशू दे रहा, राइट। तो अगर सेम यही इशू आपको डायरेक्ट अपलोड करने में आए तो आप एक और तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ लाइब्रेरी में आए, ऐड न्यू फाइल करें और यहाँ पे आप उसको क्या कर दें, सिंपल अपलोड कर दें अपनी फाइल को, और यहाँ पे वो डायरेक्ट अपलोड हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, ये फाइल अपलोड हो चुकी है। अब मैं इसको रीलोड करता हूँ अगेन, तो वो वाली फाइल इस मीडिया के अंदर शो हो जाएगी और उसको हम डायरेक्टली यूज़ कर पाएंगे। तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप किसी भी फॉर्मेट को इस तरह से सपोर्ट करवा सकते हो अपने वर्डप्रेस के अंदर, और ईजीली हाई क्वालिटी जो लोगोज या पिक्चर्स जो भी आप यूज़ करना चाहो वो कर सकते हो, राइट। तो हम वापस आ गए हैं रीलोड करने के बाद, और यहाँ पे हमारे पास वही सेम ऑप्शन है। अब यहाँ पे देखें, ये वाला ऑप्शन है, तो ये देखें, ये SVG फाइल हमारे पास यहाँ पे अपलोडेड है। इसको हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे देखें कितनी हाई क्वालिटी के अंदर ये है, बिल्कुल भी पिक्सेलेट नहीं होगा। जितना चाहे जूम कर लें या जिस भी डिवाइस पे देख लें, तो आप देखें यहाँ पे डिफरेंस आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहा है। मैंने थोड़ा सा इसको जूम किया, यहाँ पे देखें ये पिक्सेलेट हो चुका है और ये देखें बिल्कुल क्लियर है, राइट। किसी भी तरह का कोई कंप्रेशन यहाँ पे नहीं अप्लाई हुआ। तो आई होप आपको बात की समझ आ चुकी होगी, आपको पूरा मेथड समझ आ चुका होगा। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, प्रॉब्लम है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर आके मुझसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन है, कोई सोल्यूशन चाहिए, आई विल बी देयर।
आप मुझे मज़ीद कमेंट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स के सलूशन के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बनाता रहूँ। मज़ीद वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसी तरह की वीडियोस मैं बनाता रहूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।